नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर गुरुवार को झज्जर में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित की गई। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रमुख तौर पर शिरकत की। पंजाबी गायक हनी सिंह भी रैली में पहुंचे। पार्टी के स्थापना दिवस पर पत्रिका का विमोचन भी किया। वहीं रैली के दौरान अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने नौकरियों में 75% आरक्षण दिए जाने की बात भी कही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए 40% वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। रैली में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह, सभी विधायक और विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहे। झज्जर से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। 3 साल में मेहनत कर इस जेजेपी को एक नई जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ा दी। साथियों, ये 3 साल का सफर एक एक साथी जानता है कितना कठिन भी रहा, अच्छा भी रहा, मगर इस 3 साल ने जहां जिम्मेवारी के साथ साथ आपके संगठन को एक ताकत दी, मैं इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि चाहे जींद का उपचुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आज ये संगठन बर्बाद करने का काम, बड़ी कंपनियों की ये जमीन कोड़ियों के दाम आपने लेकर के इनको देने का काम किया। इसी तरीके से हरिजन समाज के लोगों के साथ चौधरी ईश्वर सिंह जी ने जैसा बताया, पहले अशोक तंवर को, फिर बहन शैलजा जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम तूने किया, वो सब जानते हैं। आपके सामने पिछले दिनों मैं अखबार में पढ़ रहा था, ये इसका पप्पू जो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बेटा, उसने बयान दिया कि जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हरियाणा प्रदेश में बनता। मैं पूछना चाहूंगा, 10 साल तेरा बाप चीफ मिनिस्टर था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी प्रयास नहीं किया? बहुत मुबारक हो किशन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो दिग्विजय भाई, सबको बहुत मुबारक हो जेजेपी के 3 साल, आप सबको 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 बहुत मुबारक हो। एक बार जोरदार ताली है जेजेपी के लिए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या बात करूं क्या ना बात करूं, लेकिन मेरे को जो लगता है कि आप लोग जो दूसरे गाड़ियों में बैठ के आए हैं, बाइकों पे आए हैं, तो उसमें 2 चीजें सबसे जरूरी लगती है मुझे, एक है पेट्रोल, दूसरा है चाबी। तो चाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।